हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन योर सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर होता कब से स्टार्ट है एंड कब तक लास्ट होता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। और हम बोलते हैं 4 मंथ से लेके आपका 6 मंथ तक जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है हम उसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो आपका नोजिया था, मॉर्निंग सिकनेस थी, वॉमिटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो 90% केसेस में चली जाती है। मेरे केस में ऐसे नहीं था, मेरे केस में इट लास्ट वो 4.5 मंथ्स एंड उसके बाद मेरी सारी जो चीज़ें थी, लाइफ थी, वो धीरे धीरे स्मूथ होनी शुरू हुई थी। बट एज पर डॉक्टर्स 90% लोगों की वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़त्म हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत कम लोगों का ये आगे जाता है। अदरवाइज यू फील good about your baby and pregnancy. So this is the time when you announce your pregnancy outside the world. क्योंकि इंडियन कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि शुरू के 3 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं एंड अगर वो प्रॉपरली निकल जाते हैं तो हम आप बाहर लोगों को बता सकते हैं कि यू आर गोइंग टू वेलकम अ बेबी। जनरली जैसे मेरे केस में भी ऐसे हुआ था, हमने 3 मंथ्स तक से बहुत जो क्लोज मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, सिर्फ उन लोगों को पता था, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी। तो जब 3 महीने प्रॉपरली निकल जाते हैं, शुरू के 3 महीने डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद जब 3 महीने के बाद जब आपको लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम यू कैन शेयर योर गुड न्यूज़ टू अदर्स, तो आप अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं दूसरे लोगों को। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन योर एपेटाइट इंक्रीज्ड एंड यू फील क्रेविंग अबाउट द थिंग्स। आपको मीठे की क्रेविंग हो सकती है, कुछ लोगों को स्पाइसी थिंग्स की क्रेविंग होती है। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे हमेशा क्रेविंग होती थी मीठी चीज़ों की। एंड मुझे याद है कि मैं ऑफिस में जाती थी एंड मैं लंच ब्रेक में रोज़ एक आइसक्रीम खाती थी एंड मेरे सारे कोलिग्स बोलते थे कि भावना आप ये क्या करते हो, आप रोज़ आइसक्रीम खाते हो, आपको नुकसान देगा। बट इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग होती थी उस टाइम आइसक्रीम की, तो मैं रोज़ एक कैंडी खाती थी। पूरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने ऐसा किया है। तो दिस इज़ द टाइम जब आप क्रेव करते हो चीज़ों के लिए एंड आपकी एपेटाइट बढ़ती है, आपको ज़्यादा भूख लगती है एंड अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आप क्रेव करते हो। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग वेट। आप 1 kg से लेके 1.5 kg पर मंथ गेन करते हो इफ़ यू स्टार्ट योर प्रेगनेंसी विद अ हेल्दी वेट एंड दिस कैन वेरी। ये कोई कॉमन टर्म नहीं है कि इतना ही वेट बढ़ेगा। यू शुड ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि आपका कितना वेट बढ़ना चाहिए हर मंथ के बाद एंड व्हाट इज़ द एवरेज के इतना वेट होना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद एंड आपका कितना बढ़ रहा है। उसके बेसिस पे आप मेजर कर सकते हो कि आपका टोटल जो वेट गेन हो रहा है प्रेगनेंसी में वो कितना हो रहा है। एंड जैसे आपका वेट गेन हो रहा है उसी से आपका बेबी बम्प भी फ्लोट होना शुरू हो जाता है, आप अपना बेबी बम्प फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ क्वाइट विजिबल इन दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर टू अदर्स कि हाँ यू आर कैरिंग अ बेबी विद यू। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर। I'll say कि you should be active in your pregnancy। अगर because of some reason आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है बेड रेस्ट के लिए, so that is a different thing। अदरवाइज आपको पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। आप वॉक कर सकते हैं, मुझे लगता है एक्टिव होने के लिए सबसे बेस्ट है आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप शुरू से कुछ एक्सरसाइजेस करते थे तो आप प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे आपको लास्ट के मंथ में उतना ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड डिलीवरी में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जैसे मैंने आपको इनिशियल पहले बोला कि इस टाइम पे आपका वेट बढ़ता है, तो जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा आपकी बैक के ऊपर प्रेशर पड़ता है। सो यू नीड टू बी मोर कंफर्टेबल। कुछ कंफर्टेबल पिलोज लीजिए, जैसे कि मैंने मेरे पास एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी एसेंशियल, मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप स्लीपिंग पिलो यूज़ कर सकते हैं विच इज़ रियली वेरी गुड। आपकी बैक को सपोर्ट मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपका वेट गेन होगा आपकी बैक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो आपको बैक के सपोर्ट के लिए कुछ भी चीज़ें जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, यू विल फील फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है, एंड जब आपका वेट बढ़ता है तो उससे प्रेशर पड़ता है आपके ब्लैडर के ऊपर, एंड जब आपके ब्लैडर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंटली ऐसा फील होगा कि आपको वॉशरूम जाने की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर. जो पॉइंट है वो है आपको हाइड्रेट रहने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपकी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं जैसे कि स्किन जो चेंज होती है, स्ट्रेच मार्क्स, उन चीज़ों में भी बहुत हेल्प मिलती है. एंड जो आपकी यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें बहुत हेल्प मिलती है. तो आपको हाइड्रेट रहने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़, आपकी स्किन चेंज होना शुरू हो जाती है. दैट मीन्स आपकी स्किन अब डार्क होएगी. अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी पूरी स्किन पे ब्लैक कलर के पैचेस हो गए थे. तो मेरे लिए ये था कि ये क्या हो गया है, बट मैंने उसके बाद बहुत जगह पढ़ा तो दिस इज़ क्वाइट कॉमन. प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी पे जो स्किन होती है वो थोड़ी डार्क होनी शुरू हो जाती है, पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, एंड आपकी पूरी बॉडी पे आप देखेंगे एक लाइन आ जाती है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर यू विल फील अ लाइन टिल योर नाभि, एंड नाभि से नीचे तक वो लाइन जाती है. मेरे तो पैरों के भी तरफ, दोनों तरफ नीचे लाइन हो गई थी, एक ब्लैक कलर की लाइन हो जाती है. धीरे धीरे आफ्टर योर डिलीवरी वो इनविजिबल हो जाएगा, बट इनिशियली प्रेगनेंसी में ये कॉमन है तो आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आपके जो प्रीनेटल विटामिन्स हैं वो आपको कंटिन्यू करने हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी. थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो आपके विटामिन्स चलते हैं बेस्ड अपॉन, हो सकता है डॉक्टर कुछ चेंजेस कर दे, किस चीज़ की आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे डॉक्टर चेंज कर सकती है, बट ये आपको रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके आपकी डिलीवरी तक. ये प्रीनेटल विटामिन्स आपको ज़रूर खाने होते हैं. एंड बिकॉज योर वेट इज इंक्रीजिंग, योर यूट्रस इज एक्सपैंडिंग, आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग सम स्ट्रेच मार्क क्रीम्स टू प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स. अब मैं बात करती हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तो जो आपकी डॉक्टर विजिट्स होती है वो कम हो जाती है. हर महीने आपको डॉक्टर एक बार बुलाएगी. मेरे केस में मेरी डॉक्टर मुझे बोलती थी एक महीने में एक बार आने की ज़रूरत है आपको, एंड अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम दिख रहा है जो कि पॉजिटिव नहीं है या जो आपको सही फील नहीं हो रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. सेकेंड, इस ट्राइमेस्टर में आपका एक यूरिन टेस्ट होता है जो कि यूरिन इन्फेक्शन चेक करने के लिए किया जाता है ताकि आपको डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो एंड वो प्रॉपरली क्योर हो सके. थर्ड, आपको 2 टेटनेस के इंजेक्शन लगते हैं, एक 4th मंथ में लगता है, एक 5th मंथ में लगता है. मुझे याद है जब मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको टेटनेस का इंजेक्शन लगेगा तो मैं रोने लगी थी और मैंने बोला था कि क्या इंजेक्शन के अलावा दवाई से काम नहीं चलेगा. तो शी वॉज लाफिंग कि इतना डरता कौन है इंजेक्शन से. तो मेरे केस में मुझे इंजेक्शन से थोड़ा फोबिया है. 4th एंड 5th मंथ में एक टेटनेस का इंजेक्शन लगता है. एंड एक आपका अल्ट्रासाउंड होता है जो कि 18th वीक से लेके 20th वीक तक करवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड. मुझे याद है कि ये अल्ट्रासाउंड जब मैंने करवाया था इट वॉज क्वाइट स्पेशल. उस टाइम पे डॉक्टर, जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर है, वो पूरा मेजर करती है कि आपके बच्चे की हेड सर्कमफ्रेंस कितनी है, उसके लेग्स एंड हाथों का कितना साइज है. तो वो मुझे बताती थी, मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था एंड वो ऐसे टच करती थी तो बेबी बहुत जल्दी जल्दी मूव करता था. तो वो कहती थी कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान होने वाला है, जैसे मैं उसको पकड़ती हूँ वो फटाक से भाग जाता है. तो जब ऐसी बातें डॉक्टर बोलती है तो बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ मेरा बच्चा तो शैतान होने वाला है. तो यू विल फील गुड. अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे की आप हार्ट बीट सुनते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्वाइट कनेक्टिव फील होता है. तो दीज आर द गुड पार्ट्स ऑफ योर प्रेगनेंसी. अब मैं बात करती हूँ कि बेबी की डेवलपमेंट कैसी होती है इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर. सो बाय 19th वीक आपका बच्चा आपको सुन सकता है. सो आपको बात करने की ज़रूरत है अपने बच्चे से. आपकी वॉइस को वो सुनता है एंड रिकॉग्नाइज करता है, तो आप अपने बच्चे से बात कीजिए. सेकेंड, बाय 19 वीक्स आपके बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं. दैट मीन्स आप जो भी खाते हैं वो आपके बच्चे में उसके टेस्ट में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है. बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड ट्राइमेस्टर आप फील करेंगे बच्चे की मूवमेंट एंड आपको वो किक्स जैसा फील होगा. हो सकता है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर को वो ना फील हो, क्योंकि बिकॉज आपके अंदर बेबी है तो आपको ज़्यादा फील होता है. थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकता है कि वो जो बेबी मूवमेंट है ओनली यू विल फील अबाउट दैट. नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है आपके बच्चे के डेवलपमेंट का वो है आपके बच्चे के जेंडर स्टार्ट हो जाते हैं शो करना. दैट मीन्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके अंदर बेबी लड़का है या लड़की है, दो इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, तो आपको जेंडर नहीं पता चलेगा। बट जो बाहर कंट्रीज़ है जहाँ पे पहले जेंडर रिवील कर देते हैं बच्चे का, यहाँ बहुत कॉमन है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली लोगों को पता चल जाता है कि उनके घर में बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है। एंड लास्ट पॉइंट, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में आपकी बेबी की जो हाइट होती है वो होती है ऑन एन एवरेज 14 इंचेस एंड वेट होता है ऑलमोस्ट 2 पाउंड। सो एंड में मैं आपको बोलूँगी कि थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे से बात कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि जो आप करते हैं वो डायरेक्ट आपके बेबी में रिफ्लेक्ट होता है। तो आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। एंड यू शुड स्टार्ट शॉपिंग फॉर यू, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है, इसका आपका बेबी बम्प फ्लॉन्ट होने लगा है, सो यू नीड सम न्यू क्लोथ्स, क्योंकि आपका साइज चेंज हो रहा है। तो एन्जॉय योर प्रेगनेंसी एंड इफ़ यू आर प्रेगनेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स या ऐसे लोग जिनको ऐसी वीडियोस की अभी रिक्वायरमेंट है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।